ऋषि पुत्र ब्राह्मण बालक छोटा ही था, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण बालक था इसलिए उसमें सामर्थ्य थी श्राप देने की। बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत क्रोध से दिल मिला उठा और उसने जल में हाथ में जल लेकर और श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने भी मेरे पिताजी के गले में, जो कि तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला है, 7 दिनों के पश्चात तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। अब जब घर वापस आए तो ब्राह्मण बालक को थोड़ी ग्लानि तो हुई। अब जब कोई गलत कार्य करता है, श्राप दे दिया, क्रोध कर दिया, तो इस बालक को भी थोड़ी ग्लानि हुई। पिताजी को सब सच सच बता दिया, पिताजी आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया था, लेकिन मुझसे सहा नहीं गया, मैंने तुरंत उसको श्राप दे दिया। और तब शमी ऋषि ने कहा, अरे पुत्र यह तुमने क्या किया, तुम जानते नहीं वे कोई साधारण राजा नहीं थे, उन्हीं महाराज के कारण तो अभी तक कलयुग नहीं आया है और हम शांति से भगवान का भजन कर रहे हैं, सर्वत्र मानो राम राज्य फैला हुआ है। पुत्र यह तुमने बहुत गलत किया। और तब कहा कि अब क्या किया जाए, अब तो जो भगवान की इच्छा है सो होगा। तुरंत वे शमी ऋषि दौड़कर आते हैं और आकर महाराज परीक्षित से कहते हैं, देखिए परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी और उन्हें पानी कहीं नहीं मिला था, अभी राजमहल में पहुंचे हैं, अभी केवल प्रवेश ही किया है, जलपान भी नहीं किया, तुरंत पीछे से ये मुनि आते हैं, शमी ऋषि आते हैं और कहते हैं, महाराज महाराज आपसे मिलना है, भेंट करना है। द्वारपाल अंदर लेकर जाते हैं और तब महाराज से कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। तब परीक्षित महाराज ने क्रोध नहीं किया, उलटकर श्राप नहीं दिया, चाहते तो वे राजर्षि थे, राजा थे, ऋषि भी थे, वे भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपराध किया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, अब इस पाप के बदले में जब श्राप मिला है तो मैं अपने उस कुकृत्य को भोग लूंगा, मुझे नर्क आदि लोकों में नहीं जाना पड़ेगा, ये तो ठीक ही हुआ, लेकिन ऋषि अब आप बताइए क्या किया जाए।